चलिए बेटा, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मुझे लगता है आप कहीं पर फंस गए होंगे। द रीजन फॉर दैट बीइंग बेटा, आई वांटेड टू मेक श्योर दैट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंटीग्रल्स ऑफ एवरी फंक्शंस और प्रोडक्ट ऑफ एवरी फंक्शन जो होता है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हमेशा इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, हमेशा पॉसिबल नहीं होता। यस देर आर मल्टीपल रूल्स, मैंने आपको पहले भी कहा इंटीग्रेशन में देर आर अराउंड आई थिंक 30 मार्क्स फॉर दिस इंटीग्रल कैलकुलस अलोन इन क्लास 12 मैथमेटिक्स पोर्शन। ठीक है, तो वी कैन नॉट गो इनटू दैट मच डिटेलिंग, बट यस अभी तक जो हमने किया उसमें हमने ये देखा कि हाँ कहीं कहीं पर हमने देखो, जैसे हमने टैन इनवर्स इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हमने देखा, क्या हमने उनका इंटेग्रल देखा? नहीं देखा। अच्छा ठीक, तो इनका इंटेग्रल किस तरह से निकालते हैं वो कोई अलग तरीका है, वी डू नॉट गो फॉर दैट। फाइन, सो इसलिए मेहरबानी करना बेटा, अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं कि आपको इंटेग्रल नहीं निकल रहा या आपका यूवी आपको हेल्प नहीं कर रहा, आई रेट हेल्प नहीं कर रहा, प्लीज डो नॉट गेट कंफ्यूज कि सर और डिसअपॉइंटेड दैट हमें क्या हो गया। इट माइट बी द केस दैट रिपीटेड इंटेग्रल्स हो रहे हैं तो फिर आपका प्रोसेस लेंथी हो रहा है। ठीक है, अलबत्ता कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपका यूवी तो आपको हेल्प करेगा पहले स्टेप में, लेकिन आप देखोगे उसके बाद फिर से यूवी। ठीक है, उन क्वेश्चंस में प्लीज ट्राई मेक श्योर कि आप कोशिश करें कि आपने जहां से शुरू किया है वो कहीं पर रिपीट तो नहीं हो रहा इंटेग्रल्स। मैंने आपको कल जो सवाल दिए थे उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा भी था जहां पर बेटा आई वॉज इक्वल टू इंटेग्रल ई रेज पर एक्स साइन एक्स। ठीक है, यहां पर भी आप देखोगे एक बार नहीं बल्कि दो बार आपको यूवी रूल लगाना पड़ेगा, आई लेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आप देखिए कैसे करना पड़ेगा। से दिस इज ऑब्वियसली ई रेज पर एक्स साइन एक्स, तो ऑब्वियसली बात है यार, ट्रिग्नो विल विन एंड इट विल बी कैप्ट एज द यू, एक्सपोनेंशियल को वी रखते हैं। ठीक है, तो क्या चाहिए होता है? यू का डैश चाहिए होता है ना, तो वो आएगा क्या? कॉस एक्स। और वी का होता है बेटा इंटेग्रल जरूरत, और वो होता है कितना? ई रेज पर एक्स, है ना। ठीक, तो पहला स्टेप ये कि इंटेग्रल यू वी हमें याद होना चाहिए, वो किसके बराबर होता है? यू ऐसे ही इंटेग्रल वी डी एक्स पढ़ा है ना, और फिर माइनस इंटेग्रल यू डैश इंटेग्रल वी डी एक्स, इस सारे को नया इंटेग्रल। समझ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो यहां पर सबसे शूट करते हैं बेटा, यू ऐसे ही, यू मतलब साइन एक्स, क्लियर? हाँ, फिर इंटू ई रेज पर एक्स, शाबाश, माइनस इंटेग्रल, हाँ, यू डैश मीन्स कॉस एक्स, इंटू इंटेग्रल वी डी एक्स मीन्स ई रेज पर एक्स डी एक्स। समझ रहे? अब देखो बेटा यहाँ पे ये तो हो गया था सॉल्व, मगर यहाँ पे मसला है, नए से प्रोडक्ट आ रहे दो फंक्शंस, तो अगेन वी विल गो ओवर यू। अच्छा ठीक, लेट ऑब्वियसली दिस इज द आई इंटीग्रल। फाइन, नाउ इफ यू अगेन गो फॉर यू वी, यू विल कीप इट ई रेज पर एक्स साइन एक्स माइनस, यहां पे देखो बेटा क्या होगा, यहां पे नए से अब मुझे लगता है ये यू होगा और ये वी होगा, और अगर ये यू है बताओ यू को ऐसे रखते हो ना, तो कॉस एक्स इधर रहेगा, ई रेज पर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज पर एक्स ही होती है, माइनस एक बड़ा इंटीग्रल यू डैश कॉस ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस बनेगा और यहां पर साइन एक्स आएगा। ठीक है, ई रेज पर एक्स की इंटीग्रेशन वो तो होती है ई रेज पर एक्स डी एक्स, क्लियर? अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, देखो यहां पर आ रहा है इंटेग्रल साइन ऑफ एक्स ई रेज पर एक्स डी एक्स, और आपने शायद शुरू भी वहीं से किया, इंटेग्रल ई रेज पर एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स, सुने हो? तो यहां पर वी कैन सब्स्टिट्यूट, ये तो आई तो इसको भी आई रखते हैं, तो आई विल बी इक्वल टू शाबाश ई रेज पर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज पर एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस, मगर आई, बात समझ में? ये आई इधर जाएगा ना, तो ये बनेगा यहां से टू आई इज इक्वल टू ई रेज पर एक्स कॉमन, हाँ, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो विच इम्प्लाइज बेटा, हाँ, आपको आई की तलाश थी ना, आई इज इक्वल टू ई रेज पर एक्स बाई टू इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, क्लियर? अच्छा, अब चूंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो हमेशा सी आप साथ रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर से कॉपी,
चलिए बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेट इंटीग्रल। कौन सा इंटीग्रल? देखो बेटा अगर आपको याद होगा जब मैंने इंटीग्रल्स पढ़ाए थे मैंने कहा था एक्चुअली इंटीग्रल का मतलब दरअसल उस वाई वर्सेस एक्स ग्राफ के अंदर जो एरिया है उसको निकालो। और मैंने कहा था जब हम बेटा लिमिट्स नहीं देते, जब हमें ये नहीं पता होता कि कहां से कहां तक जमा करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वैसा इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता था। याद है कि नहीं? अब देखो मैं पहले थोड़ा आइडिया देता हूं। देखो बच्चा मैंने उस दिन y वर्सेस x ग्राफ दिखाया था और फॉर एग्जाम्पल एक कर्व था हमारे पास और बोला इसके अंदर एरिया निकालो। आपने क्या बोला? सर कहां से कहां तक? मैंने बोला बेटा यहां से x इक्वल टू जीरो से लेकर x इक्वल टू से x वन तक। ठीक है, तो आपने इस एरिया को निकालने की कोशिश की। आपने क्या किया? आपने इसमें छोटे 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 स्ट्रिप्स लाए है ना, और इन स्ट्रिप्स का इंडिविजुअल एरिया निकाला, फिर जमा किया इसको विद द हेल्प ऑफ दैट इंटीग्रल। और आपने बोला सर ईच इट विल बी लाइक दिस, कहां से कहां तक? मैंने बोला x1 से 0 से लेकर x1 तक। यही तो एरिया था, याद है कि नहीं? बेटा समझ लो इस वक्त हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम इन लिमिट्स के बगैर एरिया ऐड कर रहे हैं, ये जमा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ना हमें पता है कहां से ना हमें पता है कहां तक। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि सर आप इस पॉइंट से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक चले जाओ और एरिया निकाल दो, तो आपको ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन पता है ना, है कि नहीं? आप क्या बोलोगे? सर ए से जमा करना है कहां तक? बी तक। ये लिमिट्स होती है। क्या होती है लिमिट्स? मतलब यू मस्ट बी नोइंग कि शुरू कहां से करना है। जहां से शुरू करते हैं बेटा उसको लोअर लिमिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जहां तक जाते हैं बेटा उसको अपर लिमिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिट्स क्या मतलब ये है, इट दे आर द एक्सट्रीम्स ऑफ द इंटीग्रल, कहां से लेकर कहां तक आपको जमा करना है। बात समझा? लेकिन जब तू लिमिट्स इस्तेमाल नहीं करता था, खबर तुझे याद, यू यूज टू यूज सी द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है कि नहीं? लेकिन अगर बेटा आपके पास लिमिट्स होगी आप कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तरीका क्या है इस्तेमाल करने का वो मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा समझाने के लिए, बाकी हर जगह पर आपको खुद आना चाहिए। आप ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब शाबाश, इट इज इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन जिसमें हमें लिमिट्स पता होती कहां से लेकर कहां तक जमा करना है। ठीक है, नीचे वाले वैल्यू को लोअर लिमिट कहते हैं। ऑब्वियसली शुरुआत पहले से करते हैं और जाते बाद तक, शुरुआत नीचे से करते हैं जाते ऊपर तक, तो हमेशा पहले लोअर लिमिट लिखते हैं और फिर अपर लिमिट लिखते हैं। ठीक है, अब इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट का फायदा क्या है वो हमें समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो बेटा, एग्जाम्पल देख लो। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू, और मेरे को कोई बोल रहा है यार फाइंड द इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम -1 to 2। ठीक है, करेंगे क्या? समझना है, इट मीन्स इंटेग्रल फ्रॉम -1 to 2, मगर y के बदले क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? अच्छा, पहले आपको इंटेग्रल वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह से तूने पढ़ा है। बात समझा? जिस तरह से तूने इंटेग्रल पढ़ा है आज तक, आप हमेशा वैसे ही इंटेग्रल सॉल्व करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो रही है, आंसर क्या होता है? शाबाश, एक्स क्यूब बाय, इंटेग्रल का काम खत्म। इंटेग्रल का काम अब बस किनका काम? लिमिट्स का काम। वो कैसे देंगे? एक्स क्यूब बाई 3 के बाद बेटा यूज दिस मॉड फंक्शन चाहिए एंड यू गिव द एक्सट्रीम्स फ्रॉम -1 to 2। क्लियर? अच्छा, यू कीप इट इन इनसाइड दीज स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, या सिंपली ऐसे भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर दो। आपने इंटेग्रल का काम किया, बस अब लिमिट्स देनी है, नीचे वाली लिमिट और ऊपर वाली लिमिट। ठीक है, अब ये लिमिट्स कैसे देते हैं वो समझना। लिमिट्स देने के बाद हमेशा लिमिट्स उसको देते हैं जो बेटा वेरिएबल होता है, जो क्या होता है? समझना है, वेरिएबल क्या था? एक्स डीएक्स, वेरिएबल एक्स डीएक्स, एक्स में चेंज आ रही है ना, तो जिसमें चेंज आ रही है वही वेरिएबल। लिमिट्स वेरिएबल को देते हैं, लिमिट्स किसको देते हैं, मतलब कैसे देते हैं वो समझना।
जब भी लिमिट्स दोगे बेटा याद रखना पहले ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, उससे वैल्यू देखो फंक्शन का क्या आएगा, माइनस लोअर लिमिट, माइनस समझो समझो मैं क्या कह रहा हूं। लिमिट्स देने का तरीका ये कि पहले अपर लिमिट देंगे, क्या देंगे अपर लिमिट क्या है वो किसको देनी है एक्स को, जरा एक्स को ले टू का वैल्यू शाबाश है ना, टू क्यूब बाई थ्री निकला एक वैल्यू, फिर लोअर लिमिट दोगे लेकिन किसको दोगे तो दो माइनस वन क्यूब बाई दोनों लिमिट दी ना आपस में सब्ट्रैक्ट कर, मैं समझाता हूं रीजन क्या है सब्ट्रैक्ट क्यों करना, देखो मसला क्या है, फॉर एग्जाम्पल दो चीजें थी आपस क्या टू तक, ठीक है, या एक था बी तक एक था ए तक, ठीक है, इंटीग्रल का मतलब समझो पहले बेटा, इंटीग्रल का मतलब समझो, इंटीग्रल का मतलब था सर हमें एरिया निकालना था ये ए से लेकर बी तक निकालना था, हम क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं वो समझो, दरअसल हम एरिया निकालते हैं पहले बेटा जीरो से लेकर बी तक निकाला, फिर हम निकालते हैं जीरो से लेकर इन दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब जाकर ये मिलेगा, बात समझ रहे ना, तो आपने पहले किया जीरो से लेकर टू तक, फिर किया लेकर जीरो से लेकर माइनस वन तक इफेक्टिवली, फिर उनको आपस में क्या किया क्लियर सर, ये हर जगह पे फॉलो करना क्या ठीक सा, बताओ बेटा क्या होगा, क्या है आंसर, ए बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, आंसर इज सेवन बाई थ्री मिनट्स, ठीक सा बेटा क्या क्लियर सा, कोई इशू नहीं, जरा दो एक और वैल्यू एक और सवाल करो, इंटीग्रेट तैयार करूं आएगा करना, इंटीग्रल में वही करना इंटीग्रेशन वैसी होगी बस लिमिट्स देखना है कैसे देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस वन का क्यूब क्या होता है माइनस और माइनस तो आएगा फिर ये नाइन बाई थ्री, आंसर इज थ्री, चलो ठीक है नाइन बाई थ्री आंसर इज थ्री, ठीक है, अच्छा जरा एक और सवाल करके दे, एक और सवाल करके दे, फर्ज कर ले यार तेरे पास है y इक्वल टू साइन ऑफ x, साइन ऑफ और पूछ रहा है बंदा इंटेग्रेट साइन x dx फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है जरा बताओ क्या करेंगे, बताओ इंटेग्रेशन साइन x की माइनस कॉस ऑफ एक्स है ना, फिर कहां से जीरो से लेकर पाई बाई टू तक, चलो दे दो बेटा आप पर देखो ये माइनस वन मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स है, माइनस वन को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस वन बाहर अंदर रहेगा कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस ऑफ जीरो और एक आपस में सब्ट्रैक्ट करना, लॉग का नहीं एक्स का, जो एक्स है वेरिएबल जो है उसी को वैल्यू देते हैं, बात समझा, जरा देखो कॉस पाई बाई टू कितना, कॉस नाइनटी कितना, कॉस नाइनटी जीरो होता है अनपढ़, माइनस कॉस जीरो वन चुना इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन आंसर, बात समझ रहा है ठीक सा, साइन की इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू तक, देखो इसका मतलब क्या है, साइन का ग्राफ याद है ना, ये है ना साइन का ग्राफ, यानी कि यहां से लेकर अगर तू यहां तक जोड़ेगा ये वाला एरिया कितना होता है, बात समझा है ना, ये क्या क्लियर था, इंटीग्रल का मतलब एरिया ही होता है, देखो आज तू इसके नीचे एरिया निकालता है, उस दिन तू ट्राइंगल बोलता था स्ट्रेट लाइन बोल, आज देख आज नखरे वाला ग्राफ था उसका एरिया निकाल, ठीक है बात समझ रहा है, चलो बेटा अगला अगला अगला, वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स इंटेग्रेट फ्रॉम माइनस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू, इंटेग्रेट कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, लेकिन किसको, कॉस एक्स डी एक्स, खुदरा करके बदल दी,
शाबाश। क्या करेंगे बच्चा बताओ, इंटीग्रेशन क्या है? कॉस की इंटीग्रेशन क्या है? साइन ऑफ एक्स। सुना? बस काम हो गया ना, इंटीग्रल खत्म। अब कहां से कहां तक? माइनस फाइव बाई टू से लेकर प्लस फाइव बाई टू, ठीक है? तो क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दे पहले अपर लिमिट आएगा साइन ऑफ फाइव बाई टू आएगा ना, माइनस साइन ऑफ शाबाश माइनस फाइव बाई टू। बात समझ ठीक है ना? साइन 90 कितना? साइन 90 कितना? वन होता है। माइनस साइन ऑफ माइनस फाइव बाई टू, खबर तुझे याद पिछले से पढ़ रहा हूं ऑलरेडी। साइन को अगर आप नेगेटिव वैल्यू देते हो, साइन रिफ्लेक्ट करता है। साइन बोलता है माइनस को बाहर निकालो, हमने पढ़ा है उसे। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है बराबर माइनस साइन थीटा, याद है? तो माइनस तो बाहर निकलेगा, वो बन जाएगा इसका प्लस, बनेगा साइन ऑफ 90। वो कितना होता है? आंसर कितना आएगा? बात समझा? क्लियर है? ठीक है ना? चलो बेटा अगला। इंटीग्रेट एम से लेकर एन तक लॉग नहीं, इंटीग्रेट क्या एम से लेकर वन बाय एक्स डी एक्स। बता दो वन क्या होगा? इसकी तो इंटीग्रेशन होगी लॉग एक्स। लिमिट्स क्या देगा? एम से लेकर तो ये आएगा ना, मुझे लगता है लॉग एन, अरे एन पहले एन माइनस लॉग आएगा, फिर तो तूने पढ़ा है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी। बात समझा? ठीक छा, आसान है, कुछ नहीं करना, बस लिमिट्स आना चाहिए, लिमिट्स आना चाहिए, ठीक है? चल एक और सवाल कर। इंटेग्रेट इंटेग्रेट टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन डी टी फ्रॉम जीरो टू फाइव, बता क्या करेगा? हाँ होगी ना, मतलब अलग तो पढ़ा है तुझे। हाँ। देखो समझना है, अब समझना है, अगर आप अलग अलग करोगे हर किसी को अपनी अपनी लिमिट देनी, बेहतर है आप पहले सारे को करो फिर एक ही बार लिमिट दो। दो तरीके हैं, एक मैं पहले दिखा रहा हूं, देखो क्या कर रहा है। पहले इंटीग्रल सबका लगा देंगे, इसका इंटीग्रल बोलेगा देखो टी क्यूब बाई थ्री, इसका बोलेगा टी स्क्वायर बाई टू बोलेगा, और वन का फोर, वन का तो बोलेगा टी, वन का टी आएगा, लिमिट एक ही रहेगी जीरो बैठे फाइव, ठीक है? तो एक बार सबको फाइव और एक बार सबको फिर जीरो, जब सबको जीरो देगा ये तो जीरो ही बनेगा, अब सिर्फ फाइव देना है, दे दे फाइव, फाइव फाइव क्यूब बाई थ्री प्लस फाइव स्क्वायर बाई टू प्लस फाइव माइनस जीरो क्यूब बाई थ्री जीरो स्क्वायर बाई टू जीरो, तो ये वाला वैल्यू बता, फाइव क्यूब कितना होता है? बाई थ्री प्लस 25 बाय प्लस 125 बाय 3 3 1 आर 3 3 का यूज नहीं होगा, का यूज मैं तेरा मुझे निकाल दूँगा, एलसीएम 6 आएगा 125 प्लस 75 प्लस 30। हाँ एक सेकेंड, उसको क्या होगा 125 को 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? सुषमा 250 तो होता है ओ है ना, सिक्स निकला एलसीएम। ठीक है, सिक्स निकला एलसीएम, 125 के बदले आएगा 250, 25 के बदले आएगा 75। ठीक है, तो यार मुझे तो लग रहा है ये 100 यहां से एक और है, ओके 350 भाई छे, दिस इज द आंसर। ठीक है, जरा एक और
सवाल करो, वो तो भूतिया पॉसिबल इज टाइम टू यू कर इंटेग्रेट यू से लेकर वी तक एम यू डी यू या एम वी डी वी, चलो बताओ क्या करो। हाँ नहीं नहीं यूवी कहा, एम तो मास है, वी वेल वेरिएबल है, सुना है कि वी वेरिएबल, ये कॉन्स्टेंट बन गया ना खुद ही, इंटेग्रेट किस तरह कर रहा है, तो ये चीज क्या है, तो कॉन्स्टेंट होगी, वी है ना वेरिएबल, भी है एक जगह, बाकी क्या है, तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आया ना, इंटीग्रल वी डी कहां से कहां तक, यू से लेकर वी तक एम, हाँ वी की इंटीग्रेशन क्या आएगी विद रिस्पेक्ट टू डीवी, हो गई वी स्क्वायर बाय टू। अरे आज एक्स नहीं है, आज बट पुअर था यू से लेकर, तो बता एम अपर लिमिट दे, अपर लिमिट दे, अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा है 1 बाई 2 को कांस्टेंट है, 1 बाई 2 को बाहर निकालो, चल बताओ अपर लिमिट देगा तो v स्क्वायर ही बनेगा, लोअर लिमिट देगा तो u स्क्वायर बनेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बनेगा कि नहीं, चलो करो मल्टीप्लाई, शाबाश, हाँ यह है ना, मुझे लग रहा है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, व्हाट इज हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हो दिया ना, मतलब इसने शायद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब तू फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है ये वर्क के बराबर है, बट उसी ने कम ही वेलोसिटी एनर्जी जैसे कम पद गए वेलोसिटी ज्यादा पद से फाइनल, तो जो चेंज ऑफ एनर्जी है वो वर्क हो रहा है, वर्क वर्क एनर्जी छोड़ो इंशाल्लाह पढ़ेंगे अभी आप, ठीक है चलो बेटा अगला हटाओ नहीं है, इंटेग्रेट इंफिनिटी से लेकर आर तक, इंटेग्रेट क्या इंफिनिटी से लेकर किसको जी एम एम बाय आर डी आर, शाबाश हाँ जी एम एम निकलेगा बाहर, अरे जी कांस्टेंट होता है एम मास दूसरा भी मास ही है कांस्टेंट, इंटेग्रल क्या बनेगा डी आर बाय क्या करेगा, शाबाश आर की इंटीग्रेशन करेगा, बता ना कैसे करेगा, या अल्लाह मेरे गुनाह हाँ अच्छा लॉग आर एग्जैक्ट इसमें मान पे आर पढ़ा तो है, देखो आपकी आंखें तेज होनी चाहिए, ये लॉग आर छठी कैद पर को तुम इंफिनिटी बटे आर था तेरे को ये दस अच्छे से दबा तो ये आएगा जी एम एम, हाँ लॉग कैपिटल आर माइनस लॉग इंफिनिटी दिया तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना, अगर ये होगा जीएम बाय आर स्क्वायर अगर होता इंफिनिटी से लेकर आर तक अब क्या करना है, इस वक्त तो लॉग बनाएगा थोड़ा टैलेंट आर बाय वन
बार हाँ फिर अगर उसको देंगे आर एच पर माइनस टू उसको हाँ, कर रहा है ना वो आर एच पर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन कहाँ से कहाँ तक इन्फिनिटी से लेकर बता जी है मैम आर एच पर माइनस वन बाय माइनस वन सुने ना आपने अब सुनो माइनस वन बाय आर वो ना ये माइनस वन बाहर निकाला वन बाय आर ही लिख रहा हूँ अच्छा कहाँ से कहाँ तक इन्फिनिटी से लेकर चलो माइनस जी एम एम अपर लिमिट वन बाई कैपिटल आर माइनस वन बाई इंफिनिटी ये आएगा बेटा व्हाट इज वन बाई इंफिनिटी जीरो इफेक्टिवली आंसर इज माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ मास एम एंड स्मॉल एम सेपरेटेड बाय आर दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा ना कुछ एम जी एच गलत पढ़ा है वो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी असल में पोटेंशियल एनर्जी ये होती है ठीक है माइनस जी एम बाय कैपिटल आर ठीक है आज थोड़ा सा फील अच्छा मेरे को एक चीज सिखाना है इंटीग्रल में वो बस उसके साथ फिनिश करेंगे लेक्चर हाँ सिखाना क्या समझो अगर बेटा आपको होगा इंटीग्रल कॉस ऑफ एक्स डीएक्स होगा से फॉर एग्जांपल माइनस ए से लेकर प्लस ए तक माइनस ए से लेकर देखो समझो जरा कॉस का ग्राफ देखो कॉस ऐसा है ना ऐसा ही ये तो हो गया जीरो से लेकर ए की तरफ और अगर ऐसे माइनस ए की तरफ जाएंगे तो आएंगे ना ऐसे कॉस ऐसा है यहां से आपको लग रहा है जैसा ग्राफ यहां से वैसा ही यहां से जब मेरे को बोल रहा है कोई भाई माइनस ए से लेकर प्लस ए तक मतलब कहीं यहां पर होगा माइनस ए माइनस ए और कहीं यहां पर बेटा यहां पर वैली एक उतर रहा है फिर चढ़ रहा है फिर ये यहां पर कहीं ए होगा ए होगा ना यहां पर होगा ना माइनस ए वहां पर होगा तो समझ जैसा ग्राफ यहां से है वैसा ही ग्राफ यहां से भी है ना तो इस इंटीग्रल को तोड़ सकता है तो इस इंटीग्रल को ऐसे इंटेग्रेट माइनस ए से जीरो तक पहले कॉस एक्स डी एक्स को प्लस फिर जीरो से लेकर ए तक कॉस एक्स डी एक्स बात समझ रहा है क्योंकि यहां पर मसला ये है क्योंकि मैंने ये देखा क्योंकि लिमिट जो है माइनस ए से जा रही है प्लस ए तक तो पहले जीरो बीच में आ रहा है लेकिन दिमाग लगा मैंने क्यों इसको जीरो तक की थोड़ा वो समझ रहा मुझे लग रहा है जीरो तक अगर मैं जमा करूं दूसरा साइड ऐसा ही है तो मैं चल गया आप लिख सकते हो ट्वाइस इंटीग्रल जीरो से ए तक की कर ऐसी फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं क्या बोलते हैं इवन फंक्शन में जब आपको इंटीग्रल होता है माइनस ए से लेकर प्लस ए तक माइनस फाइव से लेकर प्लस फाइव तक माइनस फाइव बाई टू से लेकर प्लस फाइव बाई टू तक माइनस वन से लेकर प्लस वन तक मगर फंक्शन कौन सी होनी चाहिए इवन इसमें सिमेट्रिक कैसा सा उसमें मसला ये कि आप मत करो माइनस से लेकर प्लस तक नहीं आप जीरो से करो एक या जीरो से जाओ माइनस ए तक या जाओ जीरो से ए तक समझ रहे दोनों चीजों में आपको वैल्यू सेम है आप वैल्यूज जब सेम बोलोगे तो इफेक्टिवली डबल हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो आप एक ही निकालो डबल कर दो एक्सप्रेशन बात समझा ये इवन फंक्शन का फायदा है सिर्फ इवन का हर किसी के लिए नहीं जैसे आप अगर ये साइन के लिए होता किसके लिए होता साइन ऑड फंक्शन साइन क्या है सहज से फुट रही थी मगर डबल ही नहीं आंसर अच्छा ठीक देखते हैं वो भी देखते हैं करो पहले कॉपी कॉस के लिए माइनस ए से लेकर प्लस ए तक कॉस एक्स होता है बराबर टू टाइम जीरो से ए तक कॉस एक्स डी एक्स ठीक है ओके जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा अभी फर्ज कर लेगा तेरे को था आंसर तेरे को क्वेश्चन था इंटीग्रेट कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई माइनस पाई टू चलो बताओ क्या करोगे कॉस की इंटीग्रेशन बताओ कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होती है ना लिमिट्स क्या देंगे माइनस पाई से लेकर साइन पाई माइनस साइन ऑफ माइनस पाई है ना
साइन माने टी कितना, साइन का ग्राफ देखा साइन जीरो जीरो साइन माने टी भी जीरो माइनस क्या आएगा ना माइनस ऑफ साइन पर वो आएगा जीरो ही आंसर आएगा ना जीरो आएगा आएगा कि नहीं ये कैसे किया हमने हमने माइनस फाइव से लेकर प्लस फाइव तक किया है अगर हम सिर्फ करते जीरो से लेकर फाइव तक क्या करते देखते हैं अगर हम ये करते देखो कॉस ऑफ एक्स डी एक्स करते लेकिन करता मैं जीरो से लेकर पाई तक आंसर क्या था बता कॉस की इंटीग्रेशन फिर से करनी थी फिर से बोलता तू साइन एक्स और फिर से तू बोलता सर जीरो से लेकर पाई तक जीरो से लेकर पाई तक जरा देख अपर लिमिट गए ना साइन पाई माइनस साइन जीरो साइन पाई भी जीरो माइनस साइन जीरो भी जीरो आंसर जीरो अब समझ ये तो आधा इंटीग्रल होता है डबल जब इसका करता फिर भी जीरो जाता ना इसीलिए मैं कहता हूं अगर ये वाली चीज है यू कैन राइट इट एज इंटीग्रल जीरो से लेकर पाई तक एक ही बार कॉस एक्स डी एक्स मगर फिर उसको डबल कर दो ऐसी फंक्शन को बेटा इवन फंक्शन कहते हैं क्या कहते हैं ऑड फंक्शंस के लिए वैलिड नहीं है जैसे जैसे अब यहां पर होता बेटा साइन ऑफ एक्स डी एक्स क्या ऐसा यहां पर होता से फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ एक्स डी एक्स हाँ मसलन मसलन हमें बोला गया होता माइनस पाई बाई थ्री टू प्लस पाई बाई थ्री ठीक है पहले देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा ठीक है वैल्यू क्या आएगा साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस एक्स डी एक्स है ना आसान डीएक्स में क्यों कहां से कहां तक माइनस फाइव बाई थ्री टू प्लस फाइव दे दी लिमिट्स माइनस वन बाहर कॉस फाइव बाई थ्री माइनस कॉस ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री है ना है कि नहीं चल बताया माइनस वन हाँ कॉस ऑफ पाई बाई थ्री इज सिक्सटी कॉस सिक्सटी वन बाई टू होता है माइनस कॉस ये भी तो सिक्सटी है ये भी वन बाई टू है आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं तो आंसर इसका जीरो है आंसर इसका जीरो अब हम ये देखते हैं बेटा कि अगर हम इसको तोड़ दे इनटू टू सेगमेंट्स तब क्या आता आंसर ठीक है हमने क्या किया सर हमने पूरा लिमिट दिया ना माइनस पाई बाई टू थ्री से लेकर प्लस पाई बाई लेकिन अगर वो यही था रहा वो कह रहा माइनस पाई बाई थ्री बट जीरो स्टैंडर्ड पद कर होता डबल वो शो क्या हो जाएगा ठीक है क्या क्या होता कौन सा ये माइनस है वन बाई टू माइनस है माइनस प्लस कॉस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा सो माइनस वन यहाँ पर कर रहा हूँ पढ़ा तो है साइन होता हो बाहर निकल दो प्लस है तो आंसर इसका जीरो है ठीक लेकिन बेटा अगर आप ये देखेंगे आंसर इसका जीरो आंसर इसका इसका आंसर तो जीरो है ये तो कंफर्म हो गया लेकिन अगर मैं ये करता इंटेग्रेट करता माइनस फाइव बाई थ्री से लेकर पहले जीरो तक फिर देखता मैं आंसर पद कर रहा होता डबल ठीक है साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स तो माइनस बाहर कॉस एक्स अंदर लिमिट्स देनी है माइनस पाई बाई थ्री से लेकर जीरो तक जरा देख माइनस इधर ही कॉस जीरो माइनस कॉस ऑफ माइनस पाई बाई थ्री है ना तो बता यार क्या होगा माइनस कॉस जीरो क्या होता है वन माइनस कॉस ऑफ सिक्सटी वो तो होता है वन बाई टू आंसर क्या निकला माइनस वन बाई टू निकला कि नहीं इसको डबल कर इसको अगर तू डबल करेगा आंसर आएगा माइनस वन आंसर क्या है गलत हो रहा है ना सो यू कैन नॉट से बिकॉज इट इज एन ऑड फंक्शन यू कैन नॉट से दैट साइन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए से लेकर ए तक इट इज नॉट इक्वल टू टू टाइम्स जीरो से लेकर ए तक साइन ऑफ एक्स डी एक्स बात समझा क्योंकि इट इज एन इट इज ऑनली वैलिड फॉर इवन फंक्शन क्लियर है